को PMLN के प्रेसिडेंट ने PPP के नेताओं से मुलाकात की, तो वहीं PTI ने चेतावनी दी है कि अगर इन दोनों पार्टियों ने उनके जीते निर्दलीय विधायकों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टियां कैसे समीकरण बना रही हैं? अगर शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ गठबंधन की शर्तों पर चर्चा की, क्योंकि कोई भी पार्टी ने कहा कि सोमवार को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थन से जीते निर्दलीय नेता अब पाला बदल कर नवाज के साथ जाने लगे हैं। सरकार बनाने के लिए अगर इन पार्टियों और निर्दलियों के समीकरण बन जाते हैं तो इमरान खान का एक बार फिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। कुल 336 सीटें हैं, इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुई, एक सीट पर चुनाव टाल दिए गए हैं, जबकि एक सीट NA 88 के नतीजों को पाक इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया है। अब यहां 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी, बाकी 70 सीट प्रधानमंत्री पद मिल सकता है, वित्त मंत्रालय भी वो अपने पास रख सकते हैं। राष्ट्रपति और स्पीकर के पदों के लिए नामांकन के संबंध में निर्णय सीनेट चुनाव के बाद सहयोगियों के परामर्श से किया, लेकिन किसी और की सरकार में मंत्री नहीं बनना चाहिए। हम विपक्ष में रहकर भी जनता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन कमजोर सरकार में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव नतीजों के दौरान हुए प्रदर्शन में शामिल PTI के करीब 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, इनमें से 2 PTI समर्थित उम्मीदवार भी हैं। अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में PTI अध्यक्ष